रहे लक्ष्मण यादव सर, मैं एक शेर के माध्यम से इस सभा को शुरू करने का काम और संबोधित करने का काम करूंगा कि मेरे खून का ये असर है जो हम सियासत कर रहे हैं, मेरे लहू का ये असर है जो हम रियासत कर रहे हैं, मेरे मालिक मेरे निजाम जो दिल्ली के तख्त ताज पर बैठे हैं मैं उनको कह रहा हूं, मेरे मालिक मेरे निजाम अब जरा होश तो संभालो, अब हम वादों के भरोसे नहीं रहे, अब हम बगावत कर रहे हैं, अब हम बगावत कर रहे हैं। आज इस दिल्ली के ऐतिहासिक सरजमी पर सामाजिक न्याय युवा सम्मेलन और संविधान बचाओ आंदोलन जो उच्च शिक्षा में प्रतिनिधि के सवाल को लेकर हो रहा है, आज मंचा से हम नौजवानों के दिलों के धड़कन और उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों की आस और उम्मीद, और जब कोई भी नौजवान परेशानियों और बिगड़ परिस्थितियों में होता है और देश के नौजवानों की आवाज को संसद के अंदर बुलंद करने वाले बदायूं के लोकप्रिय सांसद और हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्रांतिकारी जमीन से निकलकर देश की सदन में नौजवानों की हिमायत करने वाले आदरणीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंच पर आसीन बिहार के और पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले और हम नौजवान जिनसे सीखने का काम करते हैं बीपी मंडल के आदर्शों पर चलने वाले बिरसा मुंडा से लेकर आदरणीय काशीराम जी से लेकर अंबेडकर जी के तमाम विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले आदरणीय शरद यादव जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंचा से राज्यसभा के सांसद आदरणीय अली अनवर साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंचा से उपस्थित गुजरात की धरती से आए नौजवानों के बीच में इस समय लोकप्रियता का ग्राफ जिनका सबसे अधिक बढ़ता जा रहा है आदरणीय जिग्नेश मेवाड़ी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंचा से मेरठ की क्रांतिकारी धरती से आदरणीय अतुल प्रधान जी, चंदौली और बनारस की क्रांतिकारी धरती से आदरणीय मनोज सिंह काका जी और बनारस जैसे विश्वविद्यालय में दबे पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय विकास भैया का मैं हार्दिक स्वागत और मंचा से सभी उपस्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मैं सबके तरफ से यहाँ उपस्थित सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नौजवानों का, पत्रकार बंधुओं का और सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज यह हिंदुस्तान के अंदर कौन सी परिस्थिति यहाँ पड़ी मैं तो पूछना चाहता हूँ। जो दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हुक्मरान हैं, अगर यहाँ की आवाज उनके तक जा रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी आपदा पड़ी, आखिर क्या दिक्कत थी आपका पुराने रोस्टर प्रणाली से कि आपने नए रोस्टर प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर दे दिए। ये कहीं ना कहीं हमारे सपनों पर कुदरघात करने का प्रयास दिल्ली के तत्वताज से शुरू करने का काम किया जा रहा है। उनकी मंशा है कि गांव और गरीब और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाला जो नौजवान जो एक दिन हिंदुस्तान की दशा और दिशा को तय करने काम करेगा, उनके सपने को चकनाचूर करने का इस संघी लोगों द्वारा न्यायपालिका के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय के अंदर आप आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन हम बताना चाहते हैं हम पूर्वांचल की धरती से जो यहाँ का नौजवान आकर बैठा है, हम पूर्वांचल की धरती से लाखों लाखों की संख्या में नौजवान जिस दिन भी ये वक्त आ जाएगा दिल्ली की सड़कों को खामोश करने काम करेंगे और यहाँ के चौक को तहरीर चौक में बदलने की काम करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरे हिंदुस्तान से आने वाला नौजवान पढ़ता है और पूरे विश्व के कोने कोने से आने वाले तमाम नौजवान पढ़ता है। जिस विश्वविद्यालय से हिंदुस्तान के सभी सर्वोच्च पदों पर लोगों ने आसीन किया, उन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की, उसी विश्वविद्यालय की छात्र की प्राचीर से निकले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कैसे हिंदुस्तान को आरक्षण व्यवस्था का लाभ दिया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी विश्वविद्यालय से निकले तमाम लोग ऐसे हुए आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी जो कि सदन में नौजवानों की हिमायत करते हैं। लगातार इधर से संकेत हो रहा है, हमें आदत है 5 मिनट की बोलने की क्योंकि हम छात्र संघ के प्राचीर पर 5 मिनट बोलते हैं, उससे अधिक नहीं बोलते हैं। लेकिन दिल्ली में हम पहली बार आए हमको 5 मिनट तो बोल लेने दीजिए, मुझे समय का तकाजा है। और हम उस जगह से बोलते हैं बहुत दूर की घटना नहीं है, अभी कल ही की बात है। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर पेपर देने गया था तो वहां का जो चीफ प्रैक्टर था वो चीफ प्रैक्टर मुझे बार बार चेक कर रहा था। मैंने पूछा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रैक्टर तो मैं छात्र संघ का प्रतिनिधि हूँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? उसके मुखारबिन से क्या जवान आए थे, कब से अहित चमार और कोहरी जैसे लोग वरिष्ठ बनेंगे क्या? ऐसे घटिया मानसिकता के लोग जब तक विश्वविद्यालय से खदेड़ कर निकाले नहीं जाएंगे तब तक हमारे और आप
नहीं पहुंच पाएंगे और किसी उच्च पदों पर हासिल नहीं हो पाएंगे। हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गांव के उस जो गांव में जो सबसे निम्न वर्ग का तबका होता है, जो सूप बनाता है, जो पंखा बनाता है, उसको तो भी सिखाया और पढ़ाया नहीं जाता है, उसके बाद भी वो अपने गला के दम पर पंखा, सूप, ढपली, तमाम ऐसी चीजें बताता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा मिलती तो वो एयरप्लेन बनाने काम करते, वो हेलीकॉप्टर बनाने काम करते, वो रेल बनाने काम करते। लेकिन ऐसे लोग जब गांव की गलियों से निकलकर जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जाएंगे, तो जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं 15% वाले लोग, वही लोग हिंदुस्तान की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे और हमारे और आपके सपनों पर कुठारघात करने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूर्वांचल की धरती से जब भी ये आपने ये जो कराया है, हम लोग पूर्वांचल की धरती से आदरणीय मनोज काकर, विकास भैया के नेतृत्व में, अंकुश यादव के नेतृत्व में, एक एक और 1.5 हजार नहीं, एक एक डेढ़ लाख की संख्या में इलाहाबाद, देवरिया, दिल्ली की सड़कों माने काम करेंगे और यहाँ के प्रधानमंत्री जो सो गया है, जो मेजॉरिटी है, जो यूसी है, उसको जगाने काम करेंगे और उसको बताएंगे कि अभी जाग जाओ, होश में आ जाओ, अन्यथा जो आपकी कुर्सी के चारों पहिए हैं उसको उखाड़ के फेंकने काम पूर्वांचल का नौजवान करना जानता है और आदरणीय अखिलेश यादव का सिफाई करने को जानता है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव का सिफाई करने को जानता है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।